तो दोस्तों 2 दिन पहले एंड्रॉयड 10 स्टेबल वर्सन लॉन्च हुआ था। तो लॉन्च होने के साथ साथ ही गूगल का पिक्सेल डिवाइस में ये मिलना स्टार्ट हो गया है और रेडमी का कुछ डिवाइस में भी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो जब ये फाइनल स्टेबल बनकर आया है एंड्रॉयड 10, उसमें कुछ 10 फीचर ऐसा है जो बहुत ही यूनिक है और नया आपको इस डिवाइस में देखने को मिलेगा। आप इससे पहले बहुत सारे बातें सुना है हिडन फीचर, एंड्रॉयड 10 के हिडन फीचर, उससे ये नया है और 10 ऐसे यूनिक फीचर जो एंड्रॉयड कम्युनिटी की तरफ से बताया गया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड का 10 ऐसा फीचर जो इस नया एंड्रॉयड 10 में आपको मिलेगा और जो आपको फ़ोन को बहुत ही बेहतर बनाएगा इस अपडेट के साथ साथ। तो दोस्तों एक नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं, मैं हूं और देख रहे चैनल टेक्निकल में। तो चलिए देख लेते हैं एंड्रॉयड 10 का 10 ऐसा फीचर जो मोबाइल को और भी बेहतर बनाता है। तो दोस्तों जो फीचर मेनली रखा गया है यहाँ पर 10 में से पहला जो फीचर आया है वो है न्यू गेस्चर। इतना दिन हम लोग क्या देखता था, गेस्चर में 3 है, एक बैक बटन, एक होम बटन, एक रिसेंट बटन। तो यहाँ पर रिसेंट बटन का टोटली किल कर दिया गया है, होम बटन अभी भी है मिडिल में और बैक बटन भी है, लेकिन अगर आप बैक बटन का भी आप हटा सकते हैं। न्यू गेस्चर नेविगेशन आ गया है, स्वाइप अप स्वाइप डाउन बोथ साइड स्वाइप ऐसा ऑप्शन अब एंड्रॉयड 10 में आपको देखने को मिलेगा। कुछ मोबाइल में कस्टमाइज करता था उसमें तो ऑलरेडी मिलता था, लेकिन एंड्रॉयड 10 का अब इंटरनली ऐसा फीचर होगा जिसमें आपको 3 स्विच नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ 2 ही मिलेगा, बैक और होम। रिसेंट बटन यहाँ पर क्लीन कर दिया गया है और स्वाइप अप करने से आप रिसेंट में देख सकते हो। तो ये है पहला। और दूसरा सबका चाहिए था डार्क मोड, और इसके बारे में आपको पता है ये डार्क मोड आ रहा है, डार्क मोड आ रहा है। तो अभी ये डार्क मोड ऑलरेडी ऑफिशियली आ गया है एंड्रॉयड 10 में और ये सिस्टम वाइज डार्क मोड होगा, जो अगर आप ऑन कर दो तो सभी ऐप इसमें इनेबल हो जाएगा। पहले क्या होता था, यूट्यूब में डार्क मोड आता था, गूगल क्रोम में डार्क मोड आ रहा था, एमएक्स प्लेयर में डार्क मोड आता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम डार्क मोड नहीं कर पाते थे। लेकिन इसमें अब एंड्रॉयड 10 का इंटरनली ऐसे ही फीचर होगा जिसमें आप सिस्टम वाइज डार्क मोड कर सकते हो और सभी फीचर उसमें यूज़ कर सकते हो, जो कि बैटरी की भी बचत करता है और आपको आँखों के लिए भी बहुत बढ़िया है ये। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ दिखा दिया गया है, साउंड एम्पलीफायर। तो साउंड एम्पलीफायर इतना दिन हम लोगों को वेट करना होता था कंपनी की तरफ से, अगर कुछ कस्टमाइज करके दे या फिर हमें डाउनलोड करना होता था कुछ ऐप जिसमें हम साउंड एम्पलीफाई कर पाते थे। लेकिन अभी एंड्रॉयड 10 का इंटरनली फीचर हो गया जिसमें साउंड को आप कस्टमाइज कर सकते हो और अपने हिसाब से वहाँ पर गाना सुन सकते, कुछ भी कर सकते। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके बाद 4 नंबर जो फीचर ऐड किया गया है, डायरेक्ट ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग टू हेयरिंग एड्स। तो यहाँ पर और एक नया फीचर एंड्रॉयड 10 में दिया गया है जहाँ पर ये ऑप्शन का नाम बता रहा है, डायरेक्ट ब्लूटूथ लो एनर्जी स्ट्रीमिंग। यहाँ पर आईफोन को थोड़ा सा कॉपी किया है एंड्रॉयड वालों ने, एंड्रॉयड आईफोन में जो फीचर था ब्लूटूथ का वही फीचर इसमें ऐड किया गया है और लो एनर्जी में स्ट्रीम होगा आपको कोई भी गाना सुनना, ये तो होता था, लेकिन इसमें कुछ डायरेक्ट अप दिया गया है जिसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होगा और बैटरी का भी यहाँ पर बचत होगा और हियरिंग एड्स को आप डायरेक्ट ब्लूटूथ के तरफ गाना सुन सकते हो। कुछ कुछ हियरिंग एड्स ऐसा होता है जिसमें गाना सुनने में प्रॉब्लम होता था, वो भी नहीं होगा, आप डायरेक्ट हियरिंग एड्स से ही आप गाना सुन सकते हो, प्ले कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये नया एक चीज़ यहाँ पर ऐड किया गया है जो आईफोन से टोटली कॉपी किया गया। उसके बाद 5 नंबर जो साइलेंट नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर एक इंटरनली फीचर दिया गया है एंड्रॉयड 10 में। इतना दिन कोई भी कंपनी कस्टमाइज करके इसको देता था, लेकिन अभी एंड्रॉयड 10 का ये इंटरनली फीचर दिया गया है जिसमें नोटिफिकेशन को आप साइलेंट कर सकते हो। जैसा बहुत सारे EMIU का फीचर है, रियलमी का भी कुछ फीचर्स ऐसा है, कुछ वन प्लस का भी ऐसा फीचर है ऑक्सीजन वॉइस में, तो इसमें भी ये बार इंटरनली इसको किया गया है साइलेंट नोटिफिकेशन बोल के एक नया ऑप्शन लेके आया है जिसमें आप नोटिफिकेशन को साइलेंट कर सकते हो अगर कुछ पर्सनल नोटिफिकेशन को आप साइलेंट करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद स्मार्ट रिप्लाई इन नोटिफिकेशन, अभी नोटिफिकेशन में ही आप रिप्लाई दे सकते हो एंड्रॉयड 10 स्टॉक से ही। तो एंड्रॉयड 10 का ये फीचर नहीं था, ये कस्टमाइज कर रहा था कुछ कंपनी दिए उसके बाद ये कर रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, स्मार्ट रिप्लाई नोटिफिकेशन इंटरनली फीचर इसमें ऐड हो गया है एंड्रॉयड 10 में। उसके बाद लाइव कैप्शन, तो यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है लाइव कैप्शन। तो अगर आप कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हो, चैट कर रहा हो, यूट्यूब पे वीडियो आप लाइव दिख कर रहा हो, इंस्टाग्राम में कर रहा हो, तो सिस्टम वाइज इसमें आप लाइव में कुछ कैप्शन दे सकते हो। जैसे पहले ये ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ था, लेकिन अभी ये ऑप्शन एंड्रॉयड 10 के पास से इनेबल हुआ गया है। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ आपको गूगल का कुछ पिक्सेल फ़ोन में मिलेगा, अभी सभी मोबाइल में ये नहीं मिलेगा। कोई भी यूट्यूब वीडियो आप लाइव कर रहा हो वहाँ पर ही आप कैप्शन दे सकते हो, सारे चीज़ यहाँ पर इनेबल कर दिया गया है सिस्टम। तो यहाँ पर फोकस मोड भी इनेबल कर दिया गया है, आप कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो सिर्फ वही चीज़ में ही
ध्यान देने के लिए, दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं चाहिए तो वो ऑफ कर सकते हो। तो डिजिटल वेलबिंग एंड्रॉयड पाई से आया था और एंड्रॉयड पाई आने के बाद से डिजिटल वेलबिंग एक बहुत ही बढ़िया सबका चाहिदा माना गया है और डिजिटल वेलबिंग बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल वेलबिंग के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप टर्न ऑफ डिस्ट्रैक्शन कर सकते हो, सिर्फ फोकस कर सकते हो जिसमें आप काम कर रहा हो, ये वाला चीज़ यहाँ पर इनेबल किया गया। इसके बाद फैमिली लिंक बोल के एक नया चीज़ दिया गया है डिजिटल वेलबिंग के अंदर, जहाँ पर आप आपका किड्स क्या कर रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, आप किसी को भी ट्रैक कर सकते हो, सारे डिटेल्स आप यहाँ पर मिल जाएगा। जो फैमिली लिंक बोल के एक अलग सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है डिजिटल वेलबिंग के अंदर। जो लास्ट फीचर दिया गया है यहाँ पर वो है हर बार ही देता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी गेट सिक्योरिटी अपडेट फास्टर, इस बार जो अपडेट का सिक्योरिटी अपडेट है वो बहुत ही फास्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्दी मिलेगा और आपका डेटा को आप बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकते हो, अच्छे तरह से प्राइवेट रख सकते हो। ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है जो कि बहुत बढ़िया काम यहाँ पर आएगा। तो 10 फीचर एंड्रॉयड 10 को और भी बेहतर बनाता है। आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और कोई कस्टम ओएस यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं। तो यही था दोस्तों एंड्रॉयड 10 का 10 यूनिक फीचर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज लेकर आता हूँ। तो दोस्तों इतने ही, बाय।